शिल्पा शेट्टी बॉलीवुड इंडस्ट्री का काफी बड़ा नाम है, उन्होंने सफलता काफी हासिल की है और वो फिल्मों से जरूर काफी वक्त से दूर है, मगर इसके बावजूद भी किस तरह से लाइमलाइट में आना है वो बहुत अच्छे से जानती है। बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम लगातार वो ना कर रही हो, मगर इस इंडस्ट्री से हट के जरूर वो काम कर रही हैं। कभी वो अपनी डीवीडी निकाल देती हैं योगा करते हुए, तो कभी वो आ जाती है रियलिटी शोज के साथ सामने। मगर जहां वो पॉपुलैरिटी पाने के लिए बहुत कुछ करती हैं, तो वहीं इन पॉपुलैरिटीज की वजह से ही कॉन्ट्रोवर्सी में भी घिर जाती है। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट विनी गुलाटी और मैं लेकर आई हूं आप सभी के सामने टॉप 5 कॉन्ट्रोवर्सीज ऑफ शिल्पा शेट्टी। शिल्पा शेट्टी ने शादी की है राज कुंद्रा से और वो अपनी शादी में बहुत ही ज्यादा खुश है। वो जब शादी कर रही थी तब भी वो खुश थी, मगर ये कॉन्ट्रोवर्सी काफी ज्यादा सामने आ रही थी कि शिल्पा अपनी खुशियों के चक्कर में दूसरों की खुशियों को बर्बाद कर रही है। दरअसल उन्होंने राज कुंद्रा से जब शादी की तब राज कुंद्रा पहले से ही शादीशुदा थे और शिल्पा शेट्टी से शादी करने के लिए ही उन्होंने अपनी पहली पत्नी को तलाक दे दिया था। यहाँ शिल्पा पर तरह तरह की बातें चल रही थी मीडिया में, तो वहीं दूसरी ओर उनके ऊपर केस भी हो गया था, जहाँ राज कुंद्रा की पहली पत्नी ने शिल्पा शेट्टी पर केस करते हुए कह दिया था कि शिल्पा ने उनकी जिंदगी को खराब कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। लेकिन शिल्पा हमेशा ही इसे बच बचाती हुई सामने आ रही और मीडिया में उन्होंने कभी भी इस बारे में बात नहीं की। अब आते हैं उनकी दूसरी कॉन्ट्रोवर्सी पे, जो आते हैं उनके लव अफेयर से जुड़े हुए। उन्होंने बहुत प्यार किया था अक्षय कुमार से, मगर ये प्यार ज्यादा वक्त तक नहीं टिक पाया क्योंकि अक्षय उनके लिए सीरियस ही नहीं थे और उनकी एक मजबूरी भी थी शिल्पा से अलग होने की, क्योंकि डिंपल कपाड़िया ने जबरदस्ती कर दी थी अक्षय कुमार के साथ कि वो शादी करे तो उनकी बेटी ट्विंकल खन्ना के साथ ही करे, क्योंकि उनका बैकग्राउंड काफी ज्यादा खराब था लव अफेयर्स में। हमेशा ही गर्लफ्रेंड्स बनाने के बाद कुछ वक्त बाद अक्षय उन्हें छोड़ दिया करते थे और ट्विंकल खन्ना के साथ ऐसा डिंपल कपाड़िया नहीं देख सकती थी, इसलिए उन्होंने जबरदस्ती शादी करवाई और अक्षय को अलग होना पड़ गया शिल्पा शेट्टी से। और इसके साथ ही शिल्पा शेट्टी से जब वो अलग हुए तो ट्विंकल ने शिल्पा शेट्टी पर कई तरह के इल्जाम भी लगा दिए। तो वहीं अब बात करते हैं उनकी तीसरी बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी की, जो जुड़ी हुई है बिग ब्रदर सीजन 5 से। जी हाँ, आप सभी को शायद याद ही होगा कि पहुंची थी शिल्पा शेट्टी हॉलीवुड बिग ब्रदर सीजन 5 में, जहां वो कंटेस्टेंट ऐसी थी कि उन्हें खास पसंद नहीं किया जा रहा था क्योंकि वो इंडियन थी और वहां एक कंटेस्टेंट जेड गुडी ने उनके बारे में कुछ ऐसी बातें कह दी थी कि उनके इंडियन होने पर भी सवाल उठाए गए और उनके सांवले होने पर भी। और उसके बाद काफी अच्छे से शिल्पा शेट्टी ने इमोशनली सभी को अपनी ओर खींच लिया था। जी हाँ, उन्होंने इतनी सिंपथी गेन कर ली थी कि हर कोई शिल्पा शेट्टी की उस वक्त बातें करने लगा और यही शायद इतना फायदेमंद निकला शिल्पा शेट्टी के लिए कि वो बिग ब्रदर सीजन 5 को जीत गई। अब आते हैं चौथी कॉन्ट्रोवर्सी पर, जो जुड़ी हुई है उनके एक्सटॉर्शन केस के साथ। जी हाँ, एक्सटॉर्शन केस। दरअसल आपको बता दें कि उनके पिता पर एक इल्जाम लगा था कि वो एक्सटॉर्शन मामले में पुलिस स्टेशन पहुंचे, उन्हें अरेस्ट किया गया। यहाँ अपने पिता के साथ साथ फंस गई शिल्पा शेट्टी भी और ये केस काफी वक्त तक पुलिस में नहीं रहा, उन्हें जल्द से जल्द रिहाई दे दी गई थी। अब आती है शिल्पा शेट्टी की आखिरी कॉन्ट्रोवर्सी, जो बहुत ही ज्यादा बड़ी है, लेकिन इससे हाथ साफ करते हुए शिल्पा शेट्टी साफ तौर पर नजर आई थी और ये है उनके अंडरवर्ल्ड से जुड़ा नाम। जी हाँ, अंडरवर्ल्ड से जुड़ा है शिल्पा शेट्टी का नाम। ऐसी खबरें सामने आई थी बहुत सालों पहले, मगर शिल्पा शेट्टी ने ये कह दिया कि इस तरह की जो बातें की जा रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ उन्हें बदनाम करने के लिए की जा रही हैं। और यहाँ शिल्पा शेट्टी नहीं, उनके पिता भी उनके लिए मीडिया में सामने आए थे और कह दिया था कि इस तरह की बातें कर मेरी बेटी का नाम बिल्कुल भी खराब मत कीजिए, आप खामखा उसे बदनाम कर रहे हैं, उसके लिए गलत पॉपुलैरिटी हासिल कर रहे हैं और ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरी बेटी इस तरह के काम तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती है। वेल, इनमें से ऐसी कॉन्ट्रोवर्सीज खूब रही हैं जो शिल्पा शेट्टी इन्हें लेकर सामने आई, इमोशनली सबसे सिंपथी पाती हुई भी नजर आई और इसी के साथ उस पे अपनी जीत हासिल करती हुई भी नजर आई, क्योंकि
शिल्पा शेट्टी बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी एक्टिंग से जहां कमाल नहीं दिखा पा रही थी, तो वहीं अदाकारी से दूर उन्होंने पॉपुलैरिटी जरूर हासिल कर ली इस तरह से ही, और आज वो लाखों करोड़ों में खेल रही हैं, और इतने लाखों करोड़ों उनके दीवाने हैं कि उनकी हर एक कॉन्ट्रोवर्सी, उनकी हर एक पॉपुलैरिटी पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देते हैं और उन्हें इसी चीज में खूब मजे भी आते हैं। वेल दोस्तों, इस बारे में आपके क्या व्यूज हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ इस रिपोर्ट को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाए।